एक आदमी जो वर्तमान में चेयरमैन अभी है, फिर चुनाव होगा तो हो सकता नहीं रहेंगे, वो आदमी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो मतलब आप लोगों के जो पढ़े लिखा लड़का होंगे उनके मोबाइल में पहुंचा होगा। महाराजगंज का एक लड़का फोन करता है उसको कि भैया मेरे घर के पास कचरा है, कई दिन से लेबर नहीं आ रहा उठाने के लिए, इसको साफ करवा दीजिए। और जैसे ही वो फोन करता है महाराजगंज का लड़का चेयरमैन को, तो इधर से मां बहन लगा के गरियाने लगता है। वो आदमी भी पैसा बांट रहा है चुनाव में ताकि फिर से दोबारा उस कुर्सी पर बैठ जाए। तो सोच लीजिए, जो जो मुखिया उनको वोट दिए थे सब मुखिया को गरियाते भी रहा, पैसा भी दिया क्योंकि वो गुलाम बन गया। तो वैसे लोग अगर इस बार दोबारा जीत गए तो गरियाएगा पिछले बार था, अभी मारेगा सबको, ऐसा हालात हो जाएगा। क्योंकि इस बार उसको गिराने का भी पावर नहीं है, इस बार जनता द्वारा चुना जाएगा वो आदमी। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए कि जो शिक्षा पहुंचा सकता है, जो स्वास्थ्य पहुंचा सकता है, जो रोजगार आप तक पहुंचा सकता है, जो आपके गांव का माहौल बदल सकता है। आज भी हम लोग जिस परिवार में जन्म लिए, मैक्सिमम महिला अधिकतर औरत बेचारी लोग सब बीड़ी ही बनाती है। वो आती है अलीगंज से, सोनो से, चकाई से, सिकंदरा से, उसका नहिरा रहता है देहात में और ससुराल पहुंचती है शहर में नगर पालिका, लेकिन बदलाव कुछ नहीं होता। जैसे अपने गांव में रहती है वैसे हालात यहाँ का, जबकि वो देहात से शहर में चलाती है, लेकिन परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सब आज तक केवल हम जमुई के लिए नहीं बोल रहे, पूरे बिहार के चेयरमैन जो बनते हैं अपने पावर का यूज ही नहीं जानते, क्योंकि वो बन किसी तरह से जाते हैं। जब तक योग्य व्यक्ति, जब आप लोग 2005 में एक बार योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिए, उसके बाद बिजली और सड़क आपके घर तक पहुंच गया, आपको पहले नहीं लगता था कि ये हमारे घर तक आएगा और बिहार में भी 24 घंटा लाइन रहेगा, लेकिन आज है। तो उसी तरीके से अगर कोई अच्छा व्यक्ति उस कुर्सी पर पहुंच गया, नगर पालिका के चेयरमैन के कुर्सी पर, तो जैसे 24 घंटा बिजली का आनंद ले रहे हैं, तो जितना बात हम आपके बीच में बोले हैं उसका भी आनंद आप लोग लेने लग जाइएगा। बस 12 तारीख के बाद सीधा आपके घर तक पहुंचने लग जाएगी।